हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। तो उसमें हमने जो था मल्टीपल वाले क्वेश्चन तो कर लिए थे और फैक्टर वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन रेड सर्कल एंड फैक्टर ऑफ 35 इन ब्लू सर्कल। अब अपने 25 के फैक्टर लिखने हैं यहाँ पर और 35 के लिखने हैं यहाँ पर। अब सिंपल सी बात है, फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके टेबल में 25 आता है। ठीक है, तो ये आ गया 1। इसके बाद 5 के टेबल में 25 आता है, 5 से 25। 10 के टेबल में नहीं आता, बाकी किसी टेबल में आता, ये आता है 25 के टेबल में। ठीक है, 25 के टेबल में 25 आता है। अब इसके बाद क्या है, 35 को हमें लिखना है ब्लू सर्कल में। तो 35 का पहला फर्स्ट फैक्टर 1, और इसके बाद हमारा ये किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, ये 7 के टेबल में आएगा, और खुद सेल्फ 35 के टेबल में, है ना, अपने टेबल में आएगा। अब क्या कहा गया है यहाँ पर, विच आर द फैक्टर यू हैव रिटन इन द कॉमन पार्ट पर्पल ऑफ बोथ सर्कल्स, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 35। अब हमें क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ 1 है, 5 है, यहाँ पर ही 1 और 5 है, 25, 7 और 35, ये यहाँ पर और यहाँ यहाँ पर है, और ये दोनों एक जैसे, तीनों जो है अलग अलग हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो 1 और 5 यहाँ पर आएगा, और तो हम क्या करेंगे, 1 और 5 को यहाँ से मिटा देंगे। ठीक है, ये इसको हटा देंगे, तो ये हमारा बन गया कॉमन। 1 यहाँ भी जाएगा, 5 यहाँ भी आएगा, 1 यहाँ भी आएगा और 5 यहाँ भी आएगा। तो सेम अब अगला नंबर है यहाँ पर, तो ये आपने खुद करना है। यहाँ पर आपने 40 के फैक्टर लिखने हैं, नंबर 40 के फैक्टर, ठीक है, और यहाँ पर नंबर 60 के फैक्टर लिखने हैं। फिर आपने फाइंड आउट करना है कि कॉमन कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन आपने नोटबुक में कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर ट्री, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो इसमें आप एग्जांपल में देख पा रहे होगी, 18 लिखा हुआ है, 18 देखो 9 2 18, ठीक है, फैक्टर ट्री है ये। तो देखो पहले ने फैक्टर बनाए 9 और 2, ठीक है, अब 9 को फर्दर डिवाइड कर दिया 3 और 3 में कर दिया, है ना, 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 और 3 बनेंगे। तो यहाँ पर देखो 18 है, हम कौन से ऐसे दो टेबल यूज़ करें जिससे वो 18 बन जाए, तो एक है हमारे पास 6 3 18, 6 और 3 आ गए, तो 6, अब बताओ 6 किस टेबल में आएगा, 3 2 6। सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, पहले दो नंबर इस तरीके से लिखने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करो तो 18 आए, मीन्स जो नीचे नंबर दे रखा वो आए। फिर इसके बाद यहाँ पर मान लो कोई नंबर आ गया, बड़े वाला नंबर आ गया, तो बड़े वाले नंबर को आपने इस तरीके से लिखना करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर फिर ऊपर दो नंबरों में डिवाइड किया हुआ है, तो आपने इनको जो है इन दो नंबरों को भी ब्रेकअप कर देना है, इस तरीके से करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नीचे वाला नंबर आए। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं, 24 को एक नंबर करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे पहले बनाते हैं 12, मैंने 2 कर दिया यहाँ पे, 12 2 24, तो इसको मैं और फर्दर ब्रेकअप कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 कर दिया और यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, 4 3 12, 4 को मैं फिर फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। तो इसी तरीके से आपने 24 का दो और तरीके बताए हुए हैं, है ना, ये देखो। तो ये क्वेश्चंस आपने नोटबुक में कर लेना, ये वाला ही बनाना है फैक्टर ट्री नोटबुक में, ये वाला ही बनाना है, और तीनों ही ये बनाने आपने फैक्टर ट्री जो तीनों के तीनों हैं अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज अ गार्डन इन अनुस हाउस, इन द मिडल ऑफ द गार्डन देर इज अ पाथ, दे डिसाइड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 2 feet, 3 feet and 5 feet। ठीक है, मैसन टाइल द फर्स्ट रो विद 2 feet टाइल्स, द सेकेंड रो विद 3 feet टाइल्स, द थर्ड रो विद 5 feet टाइल्स, द मैसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ द टाइल्स,
देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक गार्डन बनाया गया। ठीक है, गार्डन में क्या किया गया, इसमें टाइल लगाई गई। ठीक है, पहले क्या किया गया, ये मान लो आपका रास्ता है, यहाँ पर ये मान लो 2 फीट की टाइल है, यहाँ पर ये 2 फीट की टाइल लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 फीट की टाइल लग रही है, ये लगा दी, थोड़ा सा टेढ़ी हो रहा है। अब यहाँ पर क्या किया, साइड में 3 फीट की टाइल लगाई गई। अब 3 फीट वाली टाइल 2 फीट से तो लंबी होगी। ठीक है, ये फिर इसके साथ ये से थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी यहाँ पर, फिर इस तरीके से और लंबी हो जाएगी यहाँ पर, इस तरीके से लगाई गई। फिर साइड में यहाँ 5 फीट की लगाई गई, तो 5 फीट की तो इससे भी लंबी होगी, ये ऐसे इस तरीके से यहाँ साथ में जुड़ी है ये। ठीक है, मैं थोड़ी दूरी पे बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये 5 फीट वाली। ठीक है, तो ये देखो, ये 2 फीट वाली चली हुई है पहले, ये बीच वाली 3 फीट की है, और ये साइड वाली 5 फीट वाली है। ठीक है, अब इस तरीके से उन्होंने टाइल लगा दी। अब टाइल लगाने के बाद क्या हुआ कि हमें ये टाइल जो जब मैसन ने लगाई, ठीक है, मैसन मीन्स जो इसको काम करने वाला जो होता है, ठीक है, जिसे हम मिस्त्री कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि मिस्त्री ने ये लगा दी। ठीक है, मैसन ने लगा दी। अब मैसन ने क्या किया, जब इसको लगा दिया तो अब इसमें क्या हुआ कि ये 2 फीट वाली लगाई है, 3 फीट और 5 फीट, तो उसने क्या किया, टाइल्स को बिल्कुल नहीं काटा, 2 फीट वाली 2 फीट वाली फिट कर दी, 3 फीट की 3 फीट वाली फिट कर दी, और 5 फीट में 5 फीट वाली फिट कर दी। तो अब क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि उस मैसन ने बिना काटे हुए जो है इसको जो है रास्ते को बनाया, अब बताओ कि शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, जहाँ पर ये 2 फीट वाली भी टाइल बराबर आ जाएगी, 3 फीट वाली बराबर हो जाएगी, और 5 फीट वाली भी बराबर आ जाएगी। मीन्स जब एक रास्ता जहाँ पे ख़त्म होगा, तो 2 फीट वाली यहाँ पे ख़त्म होगी इस लाइन के ऊपर, 3 फीट वाली भी यहीं ख़त्म हो जाएगी, और 5 फीट वाली भी एक ही लाइन पे ख़त्म होगी। शुरुआत ही बराबर पे होगी और एंड भी एक ही लाइन पर होगा। तो अभी आपको सोचना है कि कितनी लेंथ होगी और कैसे सॉल्व करें। तो आपने सोचना है, खुद करने की पहले कोशिश करनी है। मैं यहाँ पे सलूशन बता रहा हूँ, आपने जो है बीड़ी रोक लेनी है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन लिख लेना है और लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो फिर आपने क्वेश्चन लिखने के बाद आपने आंसर में लिखना है, सोल्यूशन में लिखना है। ये तो मैंने ऐसे बना दिया है, आप ये कुछ भी नहीं बनाओगे, ठीक है। और आप बनाना चाहो अपनी कन्वीनियंस के लिए तो साइड में बना सकते हो, बनाना चाहो तो इसका सोल्यूशन आएगा या आंसर आएगा इसका क्या आएगा। इसमें आप करोगे, देखो हमारे पास 2 फीट की टाइल दी हुई है, तो मल्टीपल ऑफ 2 लिखोगे पहले आप, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, पहले वाला जो कॉमन मल्टीपल नॉट फैक्टर, यहाँ पे क्या निकालने हैं हमें, मल्टीपल निकालने हैं, फैक्टर नहीं निकालना है। फैक्टर 2 का तो 1 ही आएगा, 1 और 2 आएंगे, 3 का 1 और 3 आएगा, 5 का 1 और 3 आएगा, तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। हमें क्या निकालना है, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल लिखते चलेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 8, 30, 32, 34, 36, 38, 38 के बाद 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 54, 58 and 60, ठीक है। फिर आप लिखोगे मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 36, 39, 42, 45, then 48, 51, 54, 57 and 60, ठीक है। इसके बाद 5 के लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25,
थर्टी, ठीक है, थर्टी, थर्टी के बाद थर्टी फाइव, देन फोर्टी, फिर फोर्टी के बाद हमारा आ गया फोर्टी फाइव, फिफ्टी, फिफ्टी फाइव एंड सिक्सटी। अब देखो यहाँ पर ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो टू में भी हो, थ्री में भी हो और फाइव में भी हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लंबा क्वेश्चन कर दिया है, आप चाहो देखो सबसे पहले हमारा कॉमन कौन सा रहा है, थर्टी, यहाँ मैंने सर्कल लगा दिया, थ्री में भी थर्टी आया और फाइव में भी थर्टी आ गया भाई। यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, आप चाहो तो मत लिखो इसको आगे वाले को, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, जस्ट मैंने समझाने के लिखा है। इसके बाद सिक्सटी आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो फैक्टर आ रहा है वो सिक्सटी आ रहा है। बट अब सिक्सटी देखो हमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, तो सिक्सटी क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हमें बड़ा नहीं लेना है, हमें लेना है शॉर्टेस्ट, तो हमें सबसे छोटा लेना है, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको, ठीक है। तो आपने ये वाला नंबर नहीं लेना है, ये आगे वाले नहीं लिखने हैं, जस्ट ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आगे वाला नंबर नहीं लिखने, आपने यही मल्टीपल लिखने हैं। और यहाँ पर फिर लिखोगे आप कॉम स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव इज इक्वल टू थर्टी, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्टी, क्या आएगा, यहाँ फीट की बात हो रही है, डोंट राइट मीटर एंड सेंटीमीटर, यहाँ फीट की बात हो रही है, देन यू हैव टू राइट फीट, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट मनोज हैज अ न्यू हाउस, ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर, द साइज ऑफ द रूम इज 9 × 12 feet, इन द मार्केट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ द स्क्वेयर टाइल्स, 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 feet, मिस साइज ऑफ द टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। अब क्या है, मोहन गया बाजार में, उसे टाइल लगवानी है जी, उसके रूम का साइज है 9 × 12, ठीक है, एक इसकी लेंथ है, एक इसकी ब्रेथ है। तो अब आपने क्या देखना है कि उसे इस तीन साइज की मिल रही हैं और वो चाहता है कि मुझे टाइल काटनी ना पड़े, क्योंकि काट कर कह रहा है कि बेकार लगेगी, तो वो चाहता है बिना काटे लगे। तो अब उसने क्या किया, यहाँ पर उसने क्या किया, ये वन एक उसको जो टाइल मिल रही है 1 × 1 foot की मिल रही है, 2 feet × 2 feet और 3 feet × 3 feet की मिल रही है, तो इसमें कौन सी जो है इसके रूम में लग जाएगी। देखो अब देखो, 1 के टेबल में 9 आता है और 1 के टेबल में 12 भी आता है, ठीक है, तो ये लग जाएगी, इट्स ओके। अब देखो 2 के टेबल में 12 तो आता है बट 9 नहीं आता, इसका मतलब टाइल काटनी पड़ेगी, तो ये वाली टाइल नहीं लगेगी। अब 3 के टेबल में क्या है, 9 आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो इसका मतलब ये वाली टाइल लग जाएगी। अब 2 की टाइल क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो इसका मतलब ये टाइल फिट नहीं बैठेगी, उसे काट काट कर लगानी पड़ेगी, या काटनी पड़ेगी, बढ़ जाएगी तो काटनी पड़ेगी, या जहाँ कम पड़ेगी वहाँ काट कर लगानी पड़ेगी, तो ये वाला फिट नहीं होगी। तो 1 × 1 foot और 3 × 3 feet ये फिट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये वाले दो आएंगे इसके ऑप्शन। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है, तीन हाउस हैं, रानीस हाउस, गीता हाउस और नसीमाज हाउस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है और इनके मेन रोड से डिस्टेंस कितनी है, 90 meter, 90 meter और 90 meter। अब क्या है, अब उन्होंने क्या किया, दे डिसाइड टू टाइल द पाथ टू द रोड, दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस एंड लेंथ, रानी बॉट द शॉर्टेस्ट टाइल, गीता बॉट द मिडल साइज एंड नसीमा बॉट द लॉन्गेस्ट टाइल्स, इफ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स, व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज बॉट, सजेस्ट 3 different solutions, एक्सप्लेन हाउ यू गॉट गेट दिस आंसर। अब देखो सिंपल सा है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, टाइल ले आए अलग अलग साइज की, ठीक है, अब इसमें क्या है, रानी की जो है सबसे छोटी है, रानी शॉर्टेस्ट, ठीक है, इसके बाद क्या है, गीता की जो है मिडल वाली है, और नसीमा की क्या है लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
अब उन्होंने टाइल का साइज दिया तो उन्होंने बोला इन्होंने सबसे छोटी टाइल की लाई, गीता मिडल वाली और नसीमा जो है लॉन्गेस्ट लाई। अब ये बता दो कि जो शॉर्टेस्ट वाली है, शॉर्टेस्ट वाली आपको तीन मेथड सजेस्ट कर रहे हैं कि जो जो है किन किन कौन कौन सी मेजरमेंट की टाइल्स हो सकती है। मैं एक आपको आईडिया देता हूँ, मान लो शॉर्टेस्ट है, मैंने एक ये लाई 3 फीट वाली लॉन्ग वाली, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 90 आता है, क्या 6 के टेबल में 90 आता है, बिल्कुल आता है, तो 6 फीट वाली आई और थर्ड वाली आई 9 फीट की, हो गया। ये शॉर्टेस्ट थी, ये मिडल है और ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। ये भी हो सकता है 1 फीट, ठीक है, 2 फीट, क्योंकि 1 के टेबल में 90 आएगा, 2 के टेबल में 90 आएगा और 3 के टेबल में भी 90 आएगा, तो ये शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, मिडल और लॉन्गेस्ट। तो आपने इस तरीके से जो 3 से 4 और खुद ढूंढने की कोशिश करनी है। तो बच्चों ये हमारा लेसन था, इसके जो और क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा करने के लिए एज अ प्रैक्टिस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू बच्चों।